आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इस देश की राजनीति के लिए, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, यहाँ की जनता के लिए, आधी आबादी के लिए और 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं के लिए। हम चुनाव के मुहाने पर आकर खड़े हैं और जरूरी है कि हम उन बातों पर बात करें जिन पर चुनाव लड़े जाने चाहिए। मेरी थोड़ी बहुत रुचि अर्थशास्त्र में रहती है तो मैं मध्य प्रदेश के कुछ आंकड़े देख रही थी, वो आपके साथ साझा करती हूँ और फिर आपको अपनी ओर से, आप जानते हैं लेकिन थोड़े विस्तृत रूप में जरूर बताना चाहूंगी कि उन आंकड़ों के बेसिस पर, मौजूदा हालात के बेसिस पर हमारे वचन पत्र में क्या है और उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। मैं एक आंकड़ा देखकर चौंक गई और वो आंकड़ा है मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज का। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, मतलब आज अगर इस समय एक नवजात शिशु का जन्म हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसके सिर के ऊपर 40,000 का कर्ज है। सरकार की आमदनी जस की तस है, खर्चे जरूर बढ़े हैं, आमदनी को बढ़ाने के साधन नहीं बढ़े हैं, इसलिए जो वित्तीय घाटा है सरकार का वो 54,000 करोड़ पर है। आपने कर्जा खूब लिया, कर्जा लगातार बढ़ाया, 2 सालों में 1 लाख करोड़ कर्ज ले लिया, लेकिन क्या उस कर्ज से सरकार ने निवेश किया? क्या उस कर्ज से सरकार ने अर्थव्यवस्था को दुरुस्त किया? क्या उस कर्ज से सरकार ने रोजगार बनाया? और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, नहीं, सरकार ने ऐसा नहीं किया। उस कर्ज के चलते बड़े बड़े घोटाले हुए, खूब स्कैम किए, आपके सिर पर कर्ज चढ़ता गया लेकिन आपका भला नहीं हुआ। तो कर्ज बढ़ा, वित्तीय घाटा बढ़ा और बेरोजगारी का यह आलम है कि 2 करोड़ युवाओं के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। 40 लाख के करीब लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करते हैं और मात्र 21 को नौकरी मिलती है, मतलब एक नौकरी पर सरकार ने 80 लाख रुपए खर्चा कर दिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शहरों में चल रहे थे, करीब 17 करोड़ तो उसी पे खर्चा हो गया था। मात्र 21 लोगों को नौकरी मिलती है 40 लाख रजिस्टर्ड लोगों में से, और दिक्कत सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की है। अगर आप ग्रेजुएट बेरोजगार हैं तो आपकी बेरोजगारी का आलम 12% पर है। कम पढ़ा लिखा, 5वीं पास तो फिर भी चलो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपनी गुजर बसर कर लेता है, लेकिन मध्य प्रदेश में रोजगार के साधन बहुत सीमित हैं और सरकार ने बड़े औद्योगिकरण के लिए, बड़े निवेश के लिए, बड़े उद्योग घरानों को लाने के लिए, मल्टी करोड़ इन्वेस्टमेंट्स के लिए देने का काम नहीं किया है और इस बात का मुझे दुख है। रेवड़ी कल्चर क्या है? वो रेवड़ी कल्चर कहा जाता है जब 12 लाख करोड़ के ऋण माफ किए जाते हैं, जब 10 लाख करोड़ का बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। वो रेवड़ी कल्चर कहा जाता है जब सरकार एक साल में 5 लाख करोड़ का नुकसान सहती है कॉर्पोरेट टैक्स कट करके। आपका इनकम टैक्स कम हुआ है पिछले 9 सालों में, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स 2 बार कट हो चुका है। आपके आटे और दही पर GST लग रही है लेकिन कॉर्पोरेट के लोन माफ किए जा रहे हैं। तब रेवड़ी कल्चर का आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, जब गरीब की, किसान की, मजदूर की, मध्यम वर्ग की बात होगी तो रेवड़ी कल्चर का आर्ग्यूमेंट बोला जाएगा। ये रेवड़ी शब्द किसने दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने, जो ये कहते नहीं थकते कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया, अपने घर से लाए थे, भाजपा के कोष से लाए थे, भाजपा के हेडक्वार्टर से लाए थे, अपने नाना जी के यहां से लाए थे। अरे देश के किसानों ने अनाज पैदा किया, खाद्य सुरक्षा योजना है, आप देश को इस कगार पर ले आए कि आपको 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है, नहीं तो भुखमरी से लोग मर जाए। असलियत यह है कि आज भुखमरी में भारत का स्थान 111 नंबर पर है और इस देश की महिला बाल विकास मंत्री को यह पता नहीं है कि अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड डेथ की वजह से वो कैलकुलेट होता है। वो कहती है, मैं हवाई जहाज से सुबह से शाम तक यहाँ पे घूम रही थी, मैं खाना नहीं खा पाई तो मैं भी भुखमरी इंडेक्स में आ गई। अरे मैडम, हवाई जहाज की यात्रा करती है, उसमें कोई भी मील ऑर्डर कर लीजिए। ये जो असंवेदनशीलता है, ये लोग रेवड़ी की बात करते हैं। गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित समाज के लिए काम करना, सरकारें इसके लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए। अडानी के लिए काम करने वाले लोग रेवड़ी की बात बिल्कुल मत करें।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।